गाइस मैं आ चुका हूँ कासीराम सर्किल पे, जो कि आप पीछे मेरे देख लो मसाला डोसा। पहले से चेक करेंगे अपन की कितना पॉपुलर है, कैसा है। और आपको बता दूँ जगह जो बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। चौराया है, ये सर्किल है और उसी के साइड में ये लगी हुई है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लोग, लेट्स गेट स्टार्ट। ये देख लो ये सर्किल है कासीराम सर्किल, और यहाँ पर इन्होंने भैया ने मद्रासी मसाला डोसा की लगा रखी ठेली। ये मद्रास से हैं भैया, तो इनसे पूछते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हाँ तो भैया सबसे स्पेशल क्या है आपका? हम साउथ इंडियन आइटम बनाते हैं, इडली डोसा। तो साउथ इंडियन, आप भी साउथ से हो? हाँ साउथ से। कहाँ से? तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और यहाँ आ गए आप हैं अपने स्वाद का खाना खजाना लेके। तो आप मेरे लिए अपना सबसे टॉपेस्ट चीज़ है मसाला डोसा, पनीर बता रहे थे। पनीर डोसा, इडली सांभर, वड़ा। आप वो पनीर मसाला डोसा बना के दिखा दीजिए कैसे बनता है। अंकल जी यहाँ कितने सालों से हो? अभी 5 साल हो गए। अलवर में? हाँ। इसी जगह? 22 ईयर। हाँ। क्या बात है, 22 साल हो गए। शादी भी यहीं हुई थी कि वहाँ से करके लाए थे? शादी यहीं हुई थी या वहाँ से करके लाए थे? शादी करके आया, जवान में आया। जवान में आया, आधा बुड्ढा हो गया। आधा बुड्ढा हो गया। और ये भी पीछे भी आपका ही काम चल रहा है? हमारा है। अच्छा, क्या बात है। तो आप पनीर मसाला डोसा, ये अभी क्या डाला है आपने? आटा। आटा है? आटा। चावल का आटा? हाँ। ओके, चावल का आटा है। साइज धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे पेटीएम भी कर सकते हैं आपको, है ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। सिकने तक का वेट कर रहे हो आप? ये ऑयल डाला है आपने? कौन सा ऑयल है ये? रिफाइंड है, स्कूटर का। स्कूटर का रिफाइंड ऑयल। अच्छा, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो आप। ये आलू, आलू की पिट्टी है? आलू का। क्या क्या है इसके अंदर? आलू का मसाला, गरम मसाला आइटम है। आलू और गरम मसाला। प्याज भी है? प्याज अलग से। प्याज अलग से, टमाटर भी आठ। अच्छा, ये आप अलग से डालोगे? ये भी फिलहाल आलू भर रहे हो? ओके। सब चीज़ जो आपके हिसाब से बेस्ट है वो बनाओ। तो ये प्याज और टमाटर डाल दिए जो अलग से स्पेशल काट के रखे हैं। ये पनीर, और अब ये पनीर डाल रहे हो आप। ओहो, क्या बात है। कितने रुपए का है भैया वैसे ये? 90 रुपए का है। पनीर खूब डाल दिया आपने, हैं दबके। वहाँ से क्या ले रहे हैं? ये क्या है? ये मसाला, गरम मसाला। गरम मसाले की चटनी? हाँ। टमाटर के साथ? किस नाम से? ओम प्रकाश सोनी व्लॉग्स। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश सोनी व्लॉग्स, सोनी। इट इज रेडी। ये आप क्या? ये सांभर। ये सांभर है? किसकी बनती है सांभर? मूंग दाल, अरहर दाल, दाल लौकी। और ये आपने क्या रखा है? नारियल चटनी, नारियल चटनी, टमाटर चटनी, टमाटर चटनी। अच्छा अच्छा, बस कंप्लीट है? लाओ तो फिर टेस्ट करते हैं आपका ये पनीर मसाला डोसा। तो बैठने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम टेस्ट करेंगे पनीर मसाला डोसा। ये नारियल चटनी हो गई, ये सांभर हो गया, और ये टमाटर की चटनी हो गई, और ये पनीर अपन ने देखा ही कैसे बनाया। तो टेस्ट करते हैं पहले इसको। तो गाइस फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत तरीके से सीखा हुआ है और हमारे अलवर में ये मिलता है। तो गाइस मैं पूरा खा चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से बना हुआ, सीखा हुआ, प्रॉपर फिलिंग थी आलू और पनीर की। और मतलब सांभर जो था ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उस एक मतलब यहाँ का जो मसाला डोसा है काफ़ी टेस्टी है, ये तो मैं मानना पड़ेगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है 22 साल का वो बोलता है इनके खाने। तो चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सुपर वीडियो।